हेलो दोस्तों, सिविल्स नोटबुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम रीजनिंग के लेक्चर नंबर फर्स्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है, ये किस पे बेस्ड है? सीरीज पे बेस्ड है। इसमें हम सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर सीरीज होगी, ये आपकी 9th तहसीलदार के एग्जाम के लिए, पंजाब पटवारी के एग्जाम के लिए और PSPCL हो गया और बाकी जो भी एग्जाम्स जिसमें रीजनिंग का पोर्शन आता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, 9th तहसीलदार में 40 मार्क्स का आपका रीजनिंग का सेक्शन आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पटवारी में भी आपके रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो सीरीज को आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। दोस्तों, 9th तहसीलदार और पंजाब पटवारी के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च कर दी गई है। इन सबका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। इन दोनों टेस्ट सीरीज का फर्स्ट टेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जल्दी से जाइए और टेस्ट सीरीज में इनरोल कर सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज ए रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। सीरीज है हमारे पास 150, 290, 560, 1120, 2140, 4230। देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो होगा। पहले में कितने का डिफरेंस है? 290 माइनस 150, ये डिफरेंस है 140 का। सेकंड में 560 माइनस 290, ये डिफरेंस है 270 का। थर्ड में 1120 माइनस 560, ये डिफरेंस है 560 का। अब इसमें हमें देखना है कि क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। यहाँ पे हमें कोई पैटर्न ऐसा दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो एक और पैटर्न मिल रहा है। वो क्या पैटर्न है कि 150 मल्टीप्लाई 2 माइनस 10, तभी यहाँ पे आया 290। 290 मल्टीप्लाई 2 माइनस 20, अब 290 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 580। और माइनस अगर 20 करेंगे तो क्या आया हमारे पास यहाँ पे? 560। अब थर्ड ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 होगा, अब माइनस 30 होगा, तो 560 मल्टीप्लाई 2 माइनस 30, ये किसके इक्वल होना चाहिए था? 1120 माइनस 30, तो यहाँ पे 1090 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास? 1020। तो यही हमारी रॉन्ग नंबर होगा, यानी ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अगर हम इसे क्रॉस वेरीफाई करें तो अगर 1120 की जगह 1090 आना था तो 1090 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 40 होना चाहिए था, तो 1090 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 2180 माइनस 40, तो ये किसके इक्वल आएगा? 2140। तो यहाँ पे भी हमें 2140 ही गिवन है, यानी हमारा जो लॉजिक था वो ठीक था। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। सीरीज क्या है हमारे पास? 10, 8, 13, 35, 135, 671, 4007। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस इनमें बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डिफरेंस कितने का है? 2 का। उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 8 माइनस 13 यानी 5 का। उसके बाद इनमें डिफरेंस क्या है? 22 का। हमें पता है कि अगर ये डिफरेंस इतना ज्यादा है तो हमें किसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये आएगा। तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? 10 और 8 का डिफरेंस है 2 का, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 × 1 माइनस 2। आगे 8 और 13, अगर 8 × 2 करें, 8 × 2 क्या होता है हमारे पास? 16 माइनस 3। अब हमें एक पैटर्न पता लग रहा है कि मल्टीप्लाई कंजेकेटिव नंबर से हो रहा है और उसके बाद माइनस हो रहा है कंजेकेटिव नंबर से। तो अगर 1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का करेंगे 2 को, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का करेंगे 3 को। तो आगे इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग 13 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 होना चाहिए, तो ये कितना आएगा? 39 माइनस 4, ये किसके इक्वल होगा? 35 के, तो ये भी ठीक है। आगे 35 × 4 माइनस 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? 35 × 4 होगा 0, 2, 140 माइनस 5, यहाँ पे क्या आना चाहिए? 135, ये भी ठीक है।
अब इसके बाद 135 इंटू 5 माइनस 6 होना चाहिए, इसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 135 से क्या होता है 650, 55 से 25, तो ये क्या है हमारे पास 675, माइनस करेंगे 6 तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 669 आना चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ पे क्या गिवन है 671 गिवन है, तो मतलब ये जो 671 है ये हमारा रॉन्ग नंबर है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। अब आगे यहाँ पे 125, 75, 45, 25, 16.2, 9.75, 5.832। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये कम हो रहा है, तो यहाँ पे अगर या तो एक लॉजिक है कि माइनस हो रहा होगा या किसी के साथ डिवाइड हो रहा होगा, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 125 माइनस 75, ये डिफरेंस है 50 का, 75 माइनस 45 ये डिफरेंस है 30 का, 45 माइनस 25 ये डिफरेंस है 20 का, 25 माइनस 16.2 ये कितने का डिफरेंस है 8.8 का। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11.2 है, तो ये भी कोई लॉजिक ऐसा फिट नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे माइनस से तो बात बनेगी नहीं, तो हमें किसी के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब डिवाइड करके देखते हैं, 125 अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या करके हमारे पास 75 आएगा, तो 125 को अगर हम 3/5 से डिवाइड करते हैं तो 25 इंटू 3 75 आया, 75 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 के साथ तो यहाँ पे आएगा 15, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आया 45, यानी हमारे पास क्या पैटर्न बैठ रहा है 3/5 के साथ हर टर्म डिवाइड हो गई है, तो अगली टर्म भी 45 इंटू 3/5 होगी, 5 9, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 27, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है 25, तो ये गलत है यहाँ पे, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। अगर हम इसे वेरीफाई करना चाहें तो 27 इंटू 3/5 ये किसके इक्वल होगा 81/5, ये किसके इक्वल होगा 16.2 के इक्वल, तो ये ठीक है, हमारा लॉजिक ठीक बैठा। आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अरेंजमेंट ये हमारे पास गिवन है, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 10th फ्रॉम द राइट एंड। अब हर सिंबल को हमने हटाना है, तो ये सिंबल गया, उसके बाद ये सिंबल गया, उसके बाद ये सिंबल गया, यहां से 10 तो पूरा हो ही जाएगा, राइट साइड से देखना है हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी ऑप्शन बी वाई करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ नंबर सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न। अब यहाँ पे हमें मिसिंग टर्म गिवन है 0.5 0.55 0.65 0.8, ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये पीपीएससी हेडमास्टर का क्वेश्चन है, हेडमास्टर 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है 0.05 का, इन दोनों में डिफरेंस है 0.1 का, इन दोनों में डिफरेंस है 0.15 का, तो ये पैटर्न हमारा क्या फॉलो हो रहा है, 0.05 और 0.1 में कितने का डिफरेंस है 0.5 का, उसके बाद ये 0.5 का, मतलब डिफरेंस कितने का है 0.5 का हर कंजेक्यूटिव टर्म में, तो इसके बाद क्या आना चाहिए 0.2 आना चाहिए, तो 0.8 प्लस 0.2 किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, जो कि ऑप्शन सी है हमारे पास। आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स को देख लेते हैं। 45, 54, 47 क्वेश्चन मार्क 49, 56, 51, 57, 53, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 45, 47, 47, 49, 49, 51, 51, 53, तो ऑल्टरनेटिव में दो दो का डिफरेंस है, और इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 54 उसके बाद क्वेश्चन मार्क उसके बाद यहाँ पे 56 उसके बाद 57, तो यहाँ पे एक एक का डिफरेंस फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 55, जो कि ऑप्शन सी है हमारे पास, 55 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर सेवन्थ को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में हमारे पास क्या है, 11, 19, 65, 259 एंड 1161। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी जो है हमारा इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो हमें शो हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या क्या है। अब डिफरेंस है 8 का। अब इसके बाद क्या डिफरेंस है, 65 माइनस 19, एक इसके इक्वल है 46 के इक्वल। अब उसके बाद 259 माइनस 65, ये किसके इक्वल है, 194 के इक्वल। अब लास्ट में 1161 माइनस 259, ये किसके इक्वल है, 902 के इक्वल। अब यहाँ पे कोई एज सच लॉजिक हमारा फिट नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई ही करना है किसी ना किसी टर्म के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, हमें पता है यहाँ पे ये 8 है, तो 8 किसका क्यूब होता है, 8 क्यूब होता है हमारा 2 का क्यूब होता है 8। तो यहाँ पे अगर हम 2 के क्यूब को प्लस कर रहे हैं तभी हमारे पास क्या आ रहा है, 19 आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है, 11 × 1 + 2³। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या आया, 19 आया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए था, 19 × 1 + 3³। तो ये किसके इक्वल होना, 19 + 3³ क्या होता है, 27 होता है। तो ये क्या आएगा हमारा, 9, 7, 16, 2, 1, 3, 4, 46। लेकिन यहाँ पे 46 नहीं है, यहाँ पे कितना है, 65 है हमारे पास। तो अगर हम 65 में से 46 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमें डिफरेंस क्या आ रहा है, 19 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब ये 19 × 1 नहीं होगा, ये क्या होगा, 19 × 2 + 3³ होगा, तभी ये 38 + 27 होगा और यहाँ पे क्या आएगा, 46। तो हमें ये पैटर्न अब पता लग गया, ये पैटर्न क्या है, 19 × 2 + 3³। इसके बाद क्या पैटर्न होगा, 65 × 3 + 4³। इसके बाद का पैटर्न होगा, 259 × 4 + 5³। और इसके बाद क्या होगा, 1161 × 5 + 6³। ये हमारा पैटर्न होगा। तो 1161 × 5 + 6³ ये किसके इक्वल होगा, हमारा 6021, ऑप्शन बी के इक्वल होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, 10, 15, 35, 82.5, 562.5। यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न बहुत बार रिपीट होता मिलेगा। ये पैटर्न क्या है, मल्टीप्लाई होता है 0.5 से, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है 1 से, उसके बाद 1.5, उसके बाद 2, और ये पैटर्न रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पे भी आपको ये पैटर्न लगाना है। तो 10 × 0.5 + 10, ये किसके इक्वल होगा, 15 के इक्वल। नेक्स्ट क्या है, 15 × 1 + 20, यहाँ पे क्या है, 15 + 20, और ये 35 के इक्वल है। आगे 35 × 1.5 + 30 होगा, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आएगा, 35 × 1.5 किसके इक्वल है, 52.5 + 30, और ये किसके इक्वल होगा, 82.5 के। अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, 82.5 × 2 + 40। 82.5 किसके इक्वल होता है, 80 × 2 क्या होगा, 160, 2.5 × 2 क्या होगा, 5, तो 165 + 40, तो ये किसके इक्वल होगा, 205 के, जो कि हमारी मिसिंग वैल्यू है, यानी ऑप्शन सी 205 इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 19, 46, (?), 235। 10 और 11 में क्या डिफरेंस है, 1 का। 11 और 19 में क्या डिफरेंस है, 8 का। 46 और 19 में क्या डिफरेंस है, 27 का। तो ये किसके क्यूब्स हैं यहाँ पे, ये 1³ होगा, ये 2³, ये 3³। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 4³ आएगा, यानी 4³ किसके इक्वल होगा, 64 के इक्वल। सो 46 + 64, ये क्या होगा, 1010। तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1290, 645, 430, (?), 258, 215। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये डिफरेंस है किसी का, यानी माइनस हो रहा है टर्म, या डिवाइड हो रहा है, या हमारा ये डिवाइड होगी टर्म्स, तभी हमारा ये डिफरेंस आएगा करेक्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, इनका डिफरेंस क्या है,
645 इनका डिफरेंस है, 645, 1290 माइनस 645, 645 के इक्वल है। आगे 645 माइनस 430, ये किसके इक्वल है, 541 एंड 2, सो ये इक्वल है 215 के इक्वल। आगे क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे ये किसके इक्वल आया, 258.215, तो ये आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 4। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो कोई ऐसा पैटर्न हमें दिख नहीं रहा है। ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में तो हमें कोई पैटर्न दिख नहीं रहा, आप डिवीजन करके देखते हैं। 1290 का हाफ हमें 645 है। आगे 645 का हमें किसी के साथ डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा 430। तो ये किसके इक्वल होगा, अगर हम इसका टू थर्ड निकालते हैं, टू थर्ड निकालेंगे तो ये 2, 1 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 430 के इक्वल आ रहा है। तो आगे 430 इंटू ये यहाँ पे फिर 3/4 हो जाएगा। अगर हम 3/4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 107.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये किसके इक्वल होगा, 322.5 के इक्वल। तो यानी ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये पैटर्न यहाँ पे क्या है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड so on। तो इसी के साथ ये सीरीज की वीडियो आज यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.civilsnotebook.com। हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा फेसबुक पेज है सिविल्स नोटबुक। आप हमें टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7973299 एंड 599। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।